अपने हृदय को कठोर बनाना होगा, तब जाकर हम इस डर के एक परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी है तो हम परिणाम की चिंता नहीं करते। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। समय आने पर फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा, और यदि हम फल की चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं तो निश्चित ही परिणाम में स्वादिष्ट फल चखने के लिए मिलते हैं। इसी स्थिति को यदि आप कलयुग के अनुसार देखेंगे तो श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, सदैव जीव आत्मा के साथ रहते हैं और अपना कर्म करते जाओ और भयभीत होने की कोई भी आशंका मत छोड़ो, क्योंकि वह सदैव अपनी संतान के साथ में। फिर आप कैसे भी मुश्किल परिस्थिति में हैं, चाहे कितनी भी दुर्गम हालात चाहे ब्रह्मांड में हो, दुनिया में कोई आपका साथ दे या नाथ, लेकिन ईश्वर सदैव आपके साथ रहेगा। एक गांव में एक किसान रहता था। उस गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां दो अंडे भी दिए। उन दो अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वो बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों के बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों को डोट वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसी खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया पर ही गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताई कि माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन, रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई हो गई। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को डोट किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हो, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर किसान की बात सुनी और परेशान हो गई। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देखकर बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं, कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की बात सुनी, फिर अपनी माँ को यह बात बताई। तब चिड़िया बोली कि बच्चों, अब समय आ गया है यह खेत छोड़ने का। हम आज रात ही यह खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों पिछले दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भरता, दूसरों को कहकर अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उसके खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरी भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करता।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।